गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रितेश श्रीवास्तव क्रॉसफिट कर्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पुस्तपालन के लाभ और उसकी प्रणाली के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है आदर्श बही खाता प्रणाली की विशेषता। इसका फर्स्ट पॉइंट है उपयुक्तता। हिसाब किताब रखने की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो किसी व्यवसाय की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं वरन भावी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने की क्षमता रखती हो। व्यवसाय का आकार छोटा होने पर 2-3 लेखा पुस्तकों से ही काम चल सकता है, जबकि बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में हिसाब किताब की अनेक पुस्तकें रखनी पड़ती हैं। उपयुक्तता से यहाँ पर मतलब ये है कि वही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो व्यवसाय के स्वभाव के अनुसार हो और उससे हम व्यवसाय के वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का अनुभव या अनुमान लगा सकते हो। सेकेंड, सरलता। बही खाता प्रणाली इतनी सरल व स्पष्ट होनी चाहिए जिसे सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी समझ सके, अन्यथा व्यवसायी को विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी कि संस्था में जो भी बही खाता प्रणाली अपनाई जा रही है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि कम पढ़ा लगते व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके। फिर थर्ड है शीघ्रता। व्यवसाय का समय मूल्यवान होता है, अतः बही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी खाता विशेष को देखने तथा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के कार्य को शीघ्रता से संपन्न किया जाए। शीघ्रता से मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी पुस्तपालन प्रणाली है वो ऐसी हो जो व्यापारी हिसाब किताब रखते हैं उसको उसमें शीघ्रता से लिख सके और ज़रूरत पड़ने पर व्यापारिक सूचनाओं को भी शीघ्रता से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है पूर्णता। यदि लेखे पूर्ण नहीं है तो उनसे रोकड़, आय व्यय, दायित्व, संपत्ति, लाभ हानि आदि के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में तो व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, अतः लेखे पूर्ण होने चाहिए। पूर्णता से मतलब है कि वही खाता प्रणाली ऐसी हो जिसमें सभी तथ्य को पूरी पूरी जानकारी हो और जिनको ज्ञात करने के उद्देश्य से ही हम लोग वही खाता तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मितव्ययिता। एक आदर्श बही खाती प्रणाली उसे कहा जा सकता है जो व्यवसाय पर खर्च का अनावश्यक बोझ न डालती हो, अर्थात बही खाता प्रणाली में मितव्ययिता का गुण होना चाहिए। मितव्ययिता से मतलब है कि ऐसी प्रणाली हो बही खाता की जो ज़्यादा खर्चीली ना हो और उसे छोटा या बड़ा जो भी व्यवसायी है वो अपने आर्थिक दबाव के अनुसार उसको बढ़ा या घटा सके। नेक्स्ट है शुद्धता। अशुद्ध बही खाते के कारण व्यवसाय को प्रायः हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि अशुद्ध खातों के कारण अन्य व्यवसायियों के साथ मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है तथा खातों के अशुद्ध होने पर आयकर, बिजली कर आदि के निर्धारण में कठिनाई आती है। इन सब बातों का व्यवसाय की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः खाते शुद्ध होने चाहिए। शुद्धता से मतलब है कि जो भी लेन देन के लिख रहा है व्यापारी वो सारे खाते शुद्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है लचीलापन। बही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसे व्यवसाय का विस्तार होने पर बढ़ाया जा सके तथा व्यवसाय का संकुचन होने पर घटाया जा सके। लचीलापन मतलब बही खाता प्रणाली लोचपूर्ण होनी चाहिए, जो कि व्यवसायी अपने व्यवसाय के विस्तार के अनुसार उसमें विस्तार कर सके और अगर उसे लगे कि नहीं हमें इसे कम करना चाहिए तो उस प्रणाली को वो कम कर सके। नेक्स्ट है निश्चितता एवं वैधानिकता। बही खाता प्रणाली निश्चित, सरल तथा व्यवहारिक नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए ताकि उसे एक आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में अपनाया जा सके। यानी कि संस्था में जो बही खाता प्रणाली अपनाई गई है वह नियम व सिद्धांत के अनुसार निश्चित होनी चाहिए, जिससे कि लेखों में भी एकरूपता बनी रहे। एकरूपता। पुष्पालन में एक ही प्रकार की पद्धति अपनाई जानी चाहिए तथा सभी स्थानों को उसका पालन किया जाना चाहिए। यानी कि व्यवसाय जो भी पद्धति अपना रहा है शुरू से अंत तक वही पद्धति अपनाना चाहिए। वैधानिक प्रावधानों का पालन। बही खाता प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया, यानी कि जो कानून की दृष्टि से उचित हो उन्हीं प्रावधानों का पालन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विश्वसनीयता। पुष्पालन की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें छल कपट, जालसाजी, गबन, फेरबदल आदि की संभावनाएं न्यूनतम हों, यानी कि यह प्रणाली विश्वसनीय होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बही खाता तथा लेखांकन के मूलभूत सिद्धांत व अवधारणाएं। इसे हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, कोई दिक्कत।